दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न के नए फॉर्म्स के बारे में, नॉर्मल, सहज एंड सुगम के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में नए फॉर्म लॉन्च किए हैं जीएसटी रिटर्न के, जिसको हम नॉर्मल, सहज एंड सुगम बोल रहे हैं। वो जो नॉर्मल रिटर्न है उसको हम जीएसटी रिटर्न 1 भी बोल सकते हैं, सहज को जीएसटी रिटर्न 2 बोल सकते हैं, और जो सुगम फॉर्म है उसको हम जीएसटी रिटर्न 3 बोल सकते हैं। अभी हम जो अभी फिलहाल में रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वो जीएसटीआर रिटर्न्स 1, जीएसटी रिटर्न 3B एंड जीएसटीआर 2A जो ऑटो पॉपुलेटर हमारे जीएसटी पोर्टल पे शो होती हैं। अब ये जो फॉर्म्स हैं ये 30 जून 2019 को हटने जा रहे हैं, और इसके जगह नए रिटर्न्स फॉर्म आ रहे हैं नॉर्मल, सहज एंड सुगम। इसके अलावा जो भी हमारे रिटर्न्स हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 4 से लेकर जीएसटीआर 11 तक, वो हमें सेम वैसे ही कंटिन्यू फाइल करनी है। उन जीएसटीआर 4 से लेकर जीएसटीआर 11 तक जो रिटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ जीएसटीआर 1, 2A एंड 3B रिटर्न ही की जगह ही इस नॉर्मल, सहज एंड सुगम जो रिटर्न है वो रिप्लेस हो रही हैं। अब ये जो नए रिटर्न फॉर्म आ रहे हैं कब से एप्लीकेबल होंगे, कब से मैंडेटरी होंगे? जो नए जीएसटीआर रिटर्न्स फॉर्म है नॉर्मल, सहज एंड सुगम, वो 1 जुलाई 2019 से मैंडेटरी हो जाएंगे। अब जिस भी कंपनी की जो टर्नओवर है अगर वो 5 करोड़ से कम है, जिस भी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो नॉर्मल, सहज एंड सुगम रिटर्न्स को क्वार्टरली बेसिस पे उसको फाइल कर सकता है। अगर उसकी जो टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको ये इस नॉर्मल, सहज एंड सुगम रिटर्न्स को मंथली बेसिस पे ही फाइल करना है। बट चाहे आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो या कम हो, आपको जो टैक्स की पेमेंट है, जीएसटी जो आपका पेबल निकलेगा, वो आपको मंथली बेसिस पे ही पेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि किस टैक्स पेयर को कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसके लिए जीएसटी ने, काउंसिल ने हर एक फॉर्म्स के लिए कुछ लिमिटेशन दे रखी हैं। अगर वो लिमिटेशन से बाहर जाता है तो उसको सेकेंड ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे अगर कोई टैक्स पेयर सहज फॉर्म को चूज करता है तो उसके लिए उसकी सिर्फ B2C सप्लाईज होनी चाहिए, या फिर इनवर्ड सप्लाई जिसमें वो RCM पे करने के लेवल है। अगर वो सिर्फ उसकी 2 ही सप्लाई है तो ही वो सहज फॉर्म को फाइल कर सकता है। अगर उसकी किसी जो टैक्स पेयर है उसकी जो सप्लाईज है B2C सप्लाईज है, और उसकी B2B सप्लाईज भी है, और इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिव टू US चार्जेस भी है, तो उसको सुगम फॉर्म फाइल करना होगा। बट अगर उसकी B2 सप्लाई है, B2B सप्लाईज भी है, और इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिव टू US चार्ज भी है, 0 रिटर्न सप्लाईज भी है, नील रिटर्न एग्जाम्ड सप्लाई, तो उसको नॉर्मल फॉर्म चूज करना होगा। मतलब अगर मैं इसे बोलूं कि अगर आपके सिर्फ B2C सप्लाईज है तो आपको सहज फॉर्म सप्लाई करना है, अगर आपके B2C और B2C सप्लाईज भी है तो आपको सुगम फॉर्म फाइल करना होगा, अगर आपके 0 रिटर्न सप्लाई एक्सपोर्ट भी है, ई-कॉमर्स सप्लाईज भी, एग्जाम्प्टेड सप्लाईज भी है, तो आपको नॉर्मल फॉर्म फाइल करना होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।